दोस्तों, कई बार ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां पर पता चलता है कि किसी के केपॉप ऑब्सेशन की वजह से उसका रियल लाइफ पार्टनर उससे अच्छे से नहीं बोल रहा, या फिर कभी कभी लोग अपनी लाइफ में अपने केपॉप आइडल्स को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि वो ये भूल ही जाते हैं कि उनके रियल लाइफ में भी कुछ पार्टनर्स हैं। लेकिन रिसेंटली केपॉप में एक काफी फनी और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद सभी केपॉप फैंस काफी सरप्राइज है कि भाई कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। तो दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज आई है जहां पर पता चला है कि एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका जो केपॉप मर्च होते ना उनको फेंक दिया था, और उसके पास काफी सारे केपॉप मर्च थे, बहुत ही महंगे महंगे, और उसकी गर्लफ्रेंड ने गुस्से में आके सब कुछ फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, ये किस ग्रुप की बात हो रही है और फिर ये लड़का कौन था, वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो दोस्तों, कुछ वक्त पहले केपॉप की दुनिया में एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आई जहां पर पता चला कि एक लड़का जो कि ब्लैक पिंक का बहुत ही डाई हार्ड फैन है, उसने अपनी रियल गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने ना ब्लैक पिंक के जो भी मर्च उसके पास थे उन सबको फेंक दिया। तो दोस्तों, कुछ वक्त पहले इस लड़के ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करी थी और उसने अपने फॉलोअर्स और अपने जानने वालों को बताया कि एक दिन गुस्से में लड़ाई के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके सारे पोजेशंस को फेंक दिया, जिसमें से कई सारे फोटो कार्ड्स थे, बहुत ही सारे मर्च थे और कुछ तो साइंड आइटम्स भी थे जो कि उसने काफी महंगे महंगे प्राइस देकर खरीदे थे ब्लैक पिंक के। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि उसने ये भी बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके बाद उससे माफी भी नहीं मांगी और कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि उसकी गलती थी वो सब फेंकने के बाद। और फिर उसने अपने फॉलोअर्स को ये भी बताया कि वो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उन सभी चीजों के लिए उसे कंपेंसेट करे, यानी पैसे दे, और उसने लिस्ट भी बना दी है उन सभी चीजों की, और वो चाहता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उसे उसके पैसे दे क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उन चीजों को फेंक भी दिया और कुछ चीजों को ऑनलाइन बेच दिया और अब वो बहुत गुस्से में है। हालांकि दोस्तों, लोगों को जैसा फनी इंसिडेंट लग रहा था उतना फनी था नहीं, और पता चला कि ये काफी सीरियस हो गया क्योंकि उसने बाद में अपडेट करके बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि वो पैसे नहीं देगी और वो वहां से चली गई है, जिसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड का सारा सामान वामान पैक करके उसे उसके घर वापस भेज दिया है। यही नहीं, उसने ये भी बताया कि उसने फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और अब वो चाह रहा है कि धीरे धीरे पैसे जोड़कर वो वापस से ब्लैक पिंक का वो सारा सामान खरीद पाए। उसने ये भी बोला कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानी तो वो सजेशंस लेगा और सिविल कोर्ट में कंपनसेशन के लिए केस करेगा। तो दोस्तों, ये काफी सीरियस मैटर है कि एक ऑब्सेशन के लिए उसने ऐसा किया। हालांकि कई सारे लोगों का मानना है कि उसकी गर्लफ्रेंड की यहाँ पर गलती है, उसे ऐसे उसका सामान नहीं फेंकना चाहिए था। अगर उसे उसके ब्लैक पिंक मर्चेंडाइज से कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसे आराम से बात करती, लेकिन इस तरीके से किसी के फैन आइटम्स को फेंक देना बहुत गलत बात है, स्पेशली तब जब वो सब उसने इतने सारे पैसे देकर खरीदे थे और इतने सारे सालों से इकट्ठे करे थे। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सही है, क्या उसका बॉयफ्रेंड सही है जो कि इतना ऑब्सेस था ब्लैकपिंक से कि अपनी गर्लफ्रेंड से ही ब्रेकअप कर दिया, क्या फिर उसकी गर्लफ्रेंड की गलती है जिसने सामान फेंका। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।